हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं आपको डेली बेसिस पे करा रही हूँ। आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, केवीएस एनबीएस यूजीसी नेट हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार बीपीएससी हो, तो दोस्तों जैसे कि अब जो है लगातार हर स्टेट में कोई ना कोई वैकेंसी आने वाला है, जैसे कि यूपी में भी आने वाला है, बहुत दिन हो गया नहीं आया है। तो दोस्तों जैसा कि आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, थ्योरी सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एंड बीपीएससी टीआई 2 मैंने 80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। वो सभी वीडियोज का प्रैक्टिस जरूर कीजिए और मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो यह आपका 2024 के पर्पस से यानी नए वीडियोज में 11वां वीडियो है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि परीक्षा में आप देखते ही हैं सभी क्वेश्चंस मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। बट पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होता है, बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अगर एक कक्षा के बच्चों को ऊंचाई के आधार पर क्रमवार खड़ा कर दिया जाए तो सबसे मध्य में आने वाला बच्चा उस कक्षा का क्या कहलाएगा? तो जो मध्य यानी बीच में आएगा वो उसका माध्यिका कहलाएगा, यानी मीडियन। ठीक है, ये आपका जो है स्टैटिक्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, दोहराना यानी कि प्राप्तांकों की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, काइनेसिस शब्द का क्या अर्थ है? जो किनेसियोलॉजी होता है, तो किनेसियस एंड लॉजी, लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो काइनेसिस का मतलब होता है गति करना और लॉजी लोगस का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो काइनेसिस का मतलब होगा गति करना। नेक्स्ट है, निम्न में से न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, तीसरे नियम न्यूटन का है, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम करता है, जितना फोर्स आप वस्तु पर लगाएंगे वस्तु भी उतना फोर्स आप पर लगाएगा, जैसे कि बाल को दीवार पर फेंकना। तो दोस्तों जैसे कि ड्रिबलिंग करना, तो जितना फोर्स आप नीचे की तरफ मारेंगे बॉल पे उतना ही ऊपर उठेगा, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और यह आधारित है, इसमें एग्जांपल है अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है, और जो अपकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। नेक्स्ट, इनमें से जोड़ों की गति में ग्लाइडिंग गति कौन सी कहलाएगी? दोस्तों, तीन प्रकार के जोड़ होते हैं, चल, अचल और अर्धचल। चल संधि को डायरसोसिस भी कहते हैं और अचल संधि को साइनोथ्रोसिस और अर्धचल संधि को एम्फियाथ्रोसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइडिंग जो चल संधि होता है 6 प्रकार का होता है, तो इसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट पूछा है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट मतलब जो एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलता है उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है, गति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? गति विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी का पिता है अरस्तु। नेक्स्ट है, खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर दौड़ता है, क्यों? तो दोस्तों, यह केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट के कारण। नेक्स्ट है, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की उस क्षमता को क्या कहते हैं जो किसी कार्य या अभ्यास को लंबे समय तक थकान की स्थिति में करती है? तो दोस्तों, लंबे समय आते ही जान लीजिए एरोबिक एक्टिविटी या सहनशीलता की बात कर रहा है। थकान शब्द आते ही थकान की स्थिति में लंबे समय तक अभ्यास करना सहनशीलता यानी एंड्योरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, जोड़ लिगामेंट तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे प्रसार
तक करने में सहायक हो तो क्या कहलाता है? ग्रेटर रेंज अभी जोड़ों में दोस्तों, तो यह जोड़ों की जहाँ पे बात आए, लंबे प्रसार की बात आए, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लचकता की बात हो रही है, तो यहाँ पे लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी राइट होगा। नेक्स्ट है, भार प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? तो दोस्तों, वेट ट्रेनिंग हमेशा मसल्स को बिल्डअप करता है, या शक्ति यानी स्ट्रेंथ को विकसित किया जाता है इससे, ठीक है। एंड शक्ति यानी स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पेट की मांसपेशियों की ताकत विकसित करनी हो तो निम्न में से कौन सा अभ्यास करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। सीटअप्स होता है दोस्तों, एक पार्टियल कर्ल अप होता है जो बीपीएससी टीआई2 में पूछा हुआ था, पार्टियल कर्ल अप भी और सीटअप भी, दोनों पेट की मांसपेशियों की ताकत विकसित करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र को मांसपेशियों से तालमेल बनाए रखने एवं विकसित करने के लिए विद्यालयों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाता है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा तालमेल बैठाना पड़ता है बास्केटबॉल में, बहुत स्पीड वाला गेम होता है, तो यह कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, यूनान के हिप्पोक्रेटस ने ही सबसे पहले बताया था कि आहार का हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। गेलन ने भी ऐसा बताया था, सबसे पहले गेलन ने बताया था, बट चिकित्सा पद्धति को शुरू किया था इन्होंने, हिप्पोक्रेटस ने। नेक्स्ट है, वाडा का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन तो आया है, आता ही है हर बार दोस्तों। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा जो है वह 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसीन शहर में इसकी स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और वाडा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जान फाहे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री। और दोस्तों, एक और पूछता है, नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली स्टेडियम में हुआ था, नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मोटो है प्ले फेयर, याद रखिएगा। एंड जो चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेल मंत्री होते हैं, जैसे कि जो आप खेल मंत्री होंगे अनुराग ठाकुर, वही रहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 11 हो तो तालिका में, तो आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाएंगे? तो दोस्तों, टैली मार्क दर्शाने का नियम होता है कि चार खड़ी पाई खींचेंगे, फिर उसको काट देंगे, पांच हो जाएगा, फिर चार खड़ी पाई खींचेंगे, फिर काट देंगे, पांच पांच दस, दोबारा हो गया, ठीक है, पांच पांच दस हो गया। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है? जब तक चार नहीं होगा तब तक काटेंगे नहीं, चार से पहले एक एक ही गिना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि आपने देखा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो छः सात आठ नौ दस, और एक यहाँ पे ग्यारह, ठीक है, ग्यारह। तो ग्यारह हो तो इसको इस तरह से टैली चिन्ह में हम प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को कैसे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को, जो कोरिलेशन है, उसको प्लस वन से दर्शाएंगे। नेक्स्ट है, बहुलक किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, बहुलक किसे कहते हैं? तो उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को बार बार जो दोहराया जाता है, उसी को बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ए और बी टीमों के प्रदर्शन को के मध्य सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन निकाला जा रहा हो, जिसमें ए का प्रदर्शन बढ़ रहा है और बी का प्रदर्शन घट रहा है, तो सहसंबंध कैसा होगा? दोस्तों, यहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से बाह्य बल कौन सा है? तो बल दो प्रकार का है, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल जो हमारा मसल्स मांसपेशी बल होता है, वो आंतरिक बल होता है, जबकि जो बाह्य बल होता है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, हवा का प्रतिरोध, ये सभी बाह्य बल होता है। तो घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें बाह्य बल है, यानी ख और ग दोनों राइट है।
नेक्स्ट दोस्तों, महान वैज्ञानिक गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, जो जड़त्व का नियम है उसको गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। गैलीलियो ने भी इस बात को कहा था, तो इस जड़त्व के नियम के कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थोलॉजी नामक विज्ञान आर्थोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों, तो यह जोड़ों से संबंधित है। जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है, गति के नियम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गति के तीन नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है, लचकता को खेल प्रशिक्षक के सिद्धांतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्लेक्सिबिलिटी को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वह गति की मात्रा यानी रेंज ऑफ मोमेंट में वृद्धि बिना किसी वस्तु या व्यक्ति की सहायता से अपने किया जाता है स्वयं के द्वारा, जिसमें जोड़ों की स्ट्रेच करना यानी खिंचाव करना होता है। और यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक जो होता है, जो स्थिर अवस्था में गति की मात्रा यानी रेंज ऑफ मोमेंट में वृद्धि किया जाता है, जैसे जो खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, स्ट्रेच करने में सभी योगासन जो है इसमें आ जाते हैं। जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में, दूसरा प्रकार, जो गति की अवस्था में वृद्धि जो है वह गतिशील अवस्था में किया जाता है, जैसे दौड़ व कूद में इनका प्रयोग होता है। सभी जिम्नास्टिक जो क्रियाएं होती हैं ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है। दूसरा होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इसमें गति की मात्रा यानी रेंज ऑफ मूवमेंट में वृद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु या की सहायता से बढ़ाई जाती है। लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की चार विधियां मुख्य रूप से होती हैं, बैलेस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पीएनएफ मेथड, जिसके बारे में आप लचकता वाले वीडियो को देखिए, स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा डिटेल में जान जाएंगे। तो यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों, एक गज में एक मीटर से थोड़ा ही कम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.914 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों, विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का क्या अर्थ है? दोस्तों, विस्फोटक शक्ति जो है, विस्फोटक का अर्थ इसमें गति या चाल से होता है, स्पीड से होता है, चाल से होता है। दोस्तों, जो विस्फोटक शक्ति होती है वो शक्ति और गति दोनों का मिश्रण यानी कि समन्वय होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित किया जाता है। दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग जो एक सर्कल में होता है, 10 स्टेशन होते हैं, तो वो उसमें सर्किट ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ इंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता को डेवलप किया जाता है। यहाँ पे शक्ति सहनशीलता नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा सहनशीलता ही जब नहीं दिया है, तो यहाँ पे शक्ति आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, सर्किट ट्रेनिंग से शक्ति सहनशीलता विकसित किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे शक्ति सहनशीलता आपका राइट रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है इसलिए कंफ्यूजन है। नेक्स्ट दोस्तों, खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता है, RICE पद्धति का प्रयोग किया जाता है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी कि पुनर्वास में की तीन विधियाँ होती हैं, व्यायाम विधियाँ, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियाँ, चिकित्सा विधियाँ। जैसे जो प्राकृतिक चिकित्सा विधियाँ में प्रथम चीज होता है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, यानी कि चोट के तुरंत बाद सबसे पहले उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है, जिसमें RICE पद्धति प्रयोग किया जाता है। R से मतलब होता है रेस्ट, I से मतलब होता है बर्फ मालिश करना, C से होता है कंप्रेशन यानी दबाव डालना, चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग को दबाना, E से होता है इलेवेशन यानी कि चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। लेकिन वर्तमान में RICE के स्थान पर पहले P जोड़ दिया गया है और लास्ट में S यानी कि प्राइसेस हो गया है, PRICES हो गया है, जिससे P का मतलब होता है प्रोटेक्शन यानी चोटिल भाग का बचाव करना, लास्ट में जो S होता है उसका मतलब होता है सपोर्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण प्रशिक्षण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए
जो चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे पुनः स्थापना यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहा जाता है एर्गोजेनिक एड्स, यानी गलत ढंग से अगर प्रदर्शन मादक पदार्थ लेकर के किया जाता है तो उसे डोपिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन जब एक अच्छे तरीके से प्रयोग करके प्रदर्शन में सुधार लाया जाता है तो उसे एर्गोजेनिक एड्स बोला जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की विधियां जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार लाया जाए, जैसे क्रियात्मक क्षमता को प्रभावित कर प्रदर्शन में सुधार लाया जाए, यानी मनोवैज्ञानिक अवरोधों को दूर कर प्रदर्शन पर प्रभाव डाला जाता है, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के उपरांत क्षतिपूर्ति की गति को बढ़ाता है एर्गोजेनिक एड्स, जिसे पेशी प्रभाव साधन भी कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिशनल एड यानी कि पोषण साधन, फिजियोलॉजिकल एड्स यानी शरीर क्रियात्मक साधन, साइकोलॉजिकल एड्स यानी मनोवैज्ञानिक साधन, मैकेनिकल एड्स यानी यांत्रिक साधन, और फार्माकोलॉजिकल एड्स यानी कि औषधि साधन। नेक्स्ट है खेल के मैदान में अचानक से लिगामेंट का अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने से उसके तंतु का टूट जाना क्या कहलाता है दोस्तों, जहां में लिगामेंट के अत्यधिक खींचने की बात हो वहां स्प्रेन यानी मोच होगा, क्या होगा स्प्रेन यानी मोच होगा, वहीं पे जहां मांसपेशी या टेंडन के अधिकतम खींचने के टूट जाने के बाद होगा तो वहां स्ट्रेन यानी खिंचाव होगा। याद रखिएगा जो टेंडन होता है वह कंकाल मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी के जोड़ों पर जोड़ता है। नेक्स्ट है जो है ई डी सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन किसका सूत्र है दोस्तों, तो यह सूत्र है प्रमाप विचलन का। नेक्स्ट है आई किसको दर्शाता है, तो आई जो है वर्गांतर के आकार को दर्शाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सभी चीजें हैं। नेक्स्ट है बहुलक को किससे चिन्हित किया जाता है, तो बहुलक को जेड से चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे संख्या दिया हुआ है दोस्तों उपरोक्त तालिका में, बहुलक कौन सी संख्या है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है, देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा बार 5 आया हुआ है तो यहाँ पे 5 आपका बहुलक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे वापस क्यों आती है दोस्तों, तो इसी चीज पर तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया दोस्तों कि सेब ऊपर से सीधे नीचे चाकू पर आकर के 2 टुकड़ा हो गया, तो न्यूटन ने सोचा कि आखिर में वो ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नीचे ही आया, तो उसको पता लगाया और पता चला कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा हो रहा है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी किसका सूत्र है, तो डब्ल्यू वर्क मतलब डब्ल्यू वर्क को निंगित कर रहा है, यह कार्य का सूत्र है। नेक्स्ट है निम्न में से क्षितिज के समानांतर तल कौन सा है, तो हॉरिजॉन्टल तल जो है क्षितिज के समानांतर होता है, तल यानी कि यहां पे प्लेन की बात कर रहा है दोस्तों, तल यानी कि प्लेन की बात कर रहा है, जो 3 होते हैं सेजिटल फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन जो होता है उसे लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड जो फ्रंटल प्लेन होता है उसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं होती है जैसे एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट। एंड दोस्तों तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, जो क्षितिज के समानांतर होता है, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और गति जो है सभी रोटेशन एंड इलेवेशन मूवमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार धुरी यानी कि एक्सिस भी 3 प्रकार की होती है, धुरी यानी एक्सिस जो होती है अक्ष जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर गति होती है, जिस अक्ष में एक फिक्स पॉइंट होता है उसे लीवर या फल्क्रम कहते हैं,
और जैसे कि कई अक्ष में गति होती है, जैसे यूनि एक्सियल यानी एक अक्ष में गति, बाई एक्सियल यानी कि दो अक्ष में गति, जैसे कलाई का जोड़, और यूनि एक्सियल यानी कि एक अक्ष में गति, जैसे कि एंकल टखने का जोड़, मल्टी एक्सियल यानी कि एक से अधिक, दो से अधिक एक्सिस में गति, जैसे कि हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट। याद रखिएगा इन चीजों को। तो एक्सिस यानी अक्ष भी तीन प्रकार का होता है, फ्रंटल, सेजिटल एंड हॉरिजॉन्टल। मैंने डिटेल में बताया हुआ है, जैसे कि फ्रंटल एक्सिस जो होता है वो सेजिटल के लंबवत होती है, सेजिटल प्लेन के लंबवत। सेजिटल प्लेन में क्या होता है, शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे होती है। तो फ्रंटल एक्सिस में क्या हो जाएगा, जो सेजिटल प्लेन में गति होगी वही गति हो जाएगा, यानी कि फ्रंटल एक्सिस में सेजिटल प्लेन का गति होगा, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। और सेजिटल एक्सिस जो होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं, जिसे जो फ्रंटल प्लेन के लंबवत होगा। सेजिटल एक्सिस जो है फ्रंटल प्लेन के लंबवत है, तो फ्रंटल प्लेन में जो गति होगी वही सेजिटल प्लेन में होगी। याद रखिएगा, फ्रंटल प्लेन आगे पीछे बढ़ता है तो जो गति होगी साइड में होगी, जैसे एब्डक्शन एडक्शन। तो जब उल्टा रहेगा दोस्तों, यदि सेजिटल एक्सिस रहेगा तो प्लेन फ्रंटल प्लेन होगा, अगर फ्रंटल एक्सिस रहेगा तो सेजिटल प्लेन होगा, ठीक है। और तीसरा होता है एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। नेक्स्ट है न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, तो ये आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं, तो स्ट्रेंथ डेवलप करने की तीन अभिधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक जो होगा, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लंबाई, सेम लंबाई होती है, पेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, और कोई वर्क होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जैसे कि दीवार को धक्का मारना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मांसपेशियों की लंबाई एक समान होती है। और ठीक इसकी विपरीत होता है आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है। दो प्रकार की होती है आइसोटोनिक, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, यानी कि जब मांसपेशियों की लंबाई छोटी होती है फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन होता है, जब उसको हम एक्सटेंशन मूवमेंट में करते हैं पेशियों की लंबाई बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक कंट्रक्शन। और तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति, यानी कि ये मशीनों के द्वारा होता है ज्यादातर। 1968 में पेराइन के द्वारा इसको खोजा गया था, और यह पानी वाले खेलों में जैसे रोइंग, तैराकी आदि में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है, जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, इस समय या काल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अभ्यास के पश्चात जो पुनः हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और उसको पुनः प्राप्ति करते हैं, उसको रिकवरी फेज कहा जाता है, क्षतिपूर्ति काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ऑप्टिमल देना चाहिए, यानी कि एक संतुलन, यानी कि अनुकूल भार देना चाहिए, न ज्यादा न कम, तो साधारण से जटिल की तरफ से देना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से शक्ति को विकसित करने की विधि कौन सी है। दोस्तों, मैं ही जस्ट बताई हूँ, शक्ति स्ट्रेंथ को डेवलप करने की सबसे ज्यादा तीन विधियां प्रयोग की जाती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक विधि, ठीक है। यहाँ पे शटल रन एजिलिटी को मेजर करता है, एंड 9 मीटर दौड़ जो है, 9 मील दौड़ या सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट है, जिस चिकित्सा विधि से बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, ठंडी चिकित्सा यानी बर्फ चिकित्सा को क्रायोथेरेपी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड वैक्स थेरेपी जो है वो मोम चिकित्सा को बोला जाता है, और विद्युत से चिकित्सा को इलेक्ट्रोथेरेपी बोला जाता है, भंवर स्नान जो है वो हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल चिकित्सा का भाग है। नेक्स्ट है, जल के माध्यम से किया गया उपचार क्या कहलाता है। तो आप सबको पता है, इसे हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो दोस्तों, यह सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा इंग्लैंड में किया गया था 1879 में।
फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग। फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार है, इसे थंब रूल जो किस विधि से किया जाता है, तो PRICES पद्धति सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो इसे थंब रूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापन प्रक्रिया में अभ्यास कराए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है कि पुनः स्थापन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में दो तीन प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, करेक्टिव एक्सरसाइज, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां और चिकित्सा विधियां। इन तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तभी आपका राइट होगा। तो उपचार विषयक अभ्यास यानी करेक्टिव एक्सरसाइज आपका राइट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए। जो क्वेश्चन आपको गलती लगता होगा कि मैंने गलती बताया है, तो उस भी आप डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।